सो नमस्ते मेरे देश के जवानों, और वर्कआउट शुरू हो गया। अरे होगा क्या, हुआ क्या, मतलब होगा अभी शुरू। चलो ठीक है, वर्कआउट के लिए रेडी होना जवान। चलो भाई, देश के लिए हम मर मिटेंगे, नहीं अभी तो पढ़ाई के लिए मर मिटेंगे हम। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। चलो पढ़ाई का समय आ चुका है, तो फिर जितना फालतू चीज़ है अपना इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद करके पढ़ाई में आ जाओ। पबजी फ्री फायर, अरे यार पबजी से ज़्यादा तो फ्री फायर परेशान कर रहा है, पता है। चलो ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे। चलो अभी पढ़ाई करते हैं, बस आधा एक घंटा, उसके बाद फिर खेलने लग जाना, बस 1 से 2 घंटा लगातार, ठीक है। अच्छे से बस पढ़ाई करो, उसके बाद अपना जो करना है करो, अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद फिर जितना खेलना है खेलो, ठीक है, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। चलो फिर देखो जिम्नास्टिक में हम लोग, ये देखो ये पार्ट 3 तक के चले गए। चलो फर्स्ट में जनरल बातें कर लिए, सेकंड में कुछ तोड़ तोड़ के आपको मैं उसका जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में बढ़िया सा ओवरव्यू दे चुका हूँ, जिसमें आपको कुछ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो इसका रिप्रोडक्शन है, ये थोड़ा समझाने के लिए इसको तोड़ तोड़ के मैं एक तोड़ा सबको तोड़ने के बाद फिर जोड़ के एक बनाऊँगा इसका फर्टिलाइजर, जो रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है। तो वो सब साइकिल था, वो एक क्लियरिटी के लिए आपको कहाँ से पोलन आया और कहाँ से हमारा पोलन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर एंथ्रीडियम से निकला पोलन, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखो वो सब अभी क्लियर हो जाएगा, छोड़ो अभी वो सब के में, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसका पूरा ओवरऑल साइकिल देख लेते हैं एक बार, उसमें मैं आपको फीमेल मेल स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनने तक का ये सब पूरा क्लियर हो चुका है। पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लेना, प्लेलिस्ट में है। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेक्चर। इसमें देखो, इसमें आज कवर करेंगे इसका पूरा ओवरऑल साइकिल। तो एक और जो डिप्लॉन्टिक हेप्लॉन्टिक जो कौन है, हेप्लॉइड डिप्लॉइड, ये सब का भी क्लियरिटी यहीं पर मिल जाएगा आपको। तो इसलिए लेक्चर है बढ़िया, एक लास्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक। ज़्यादा नहीं रहेगा, लगभग आधा घंटा तक के भाई झेल लेना, ठीक है। तो चलो, तो टॉपिक क्या डाले, टॉपिक डाल देते हैं, हाँ ओवरऑल, लाइफ साइकिल ऑफ, मतलब कि ये मैं अपने से आपको बताया हूँ, है ना, और अपने से बताया बोलने का मतलब ये डाल चुका हूँ ओवरऑल लाइफ साइकिल ऐसे करके, ठीक है। इसमें आपको मतलब पूरा उसका जो फिर आया पोलन, पोलन आने के बाद फिर एग आया, फिर फर्टिलाइज हुआ, फिर जाइगोट हुआ, ऐसे करके एक साइकिल बनेगा जिसको ओवरऑल बोल दिया। कुछ एडिशनल कुछ और ओवरऑल है ऐसा कुछ, ऐसे करके अपना अपना दिमाग मत चला लेना भाई, ठीक है, ठीक है। जिसमें क्या बोलते हैं, विथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छे से बना लेंगे ये सब, वो तो आप समझदार हो। चलो हम देखते हैं अब इसमें हम लोग कहाँ तक के मेल स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना, बनने के बाद उसका जो पूरा था वो देख चुके थे एक बार। वो सब डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, पिछला लेक्चर देखे होगे तो वो बच्चे को पता होगा, और जो अभी आए हैं वो पिछला लेक्चर देख लेगा या फिर पूरा सीरीज देख लेना भाई, काहे कि मतलब छोटा छोटा तो है, देख लोगे तो कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा, नहीं बस क्लियरिटी आ जाएगा आपको हर चीज़ का। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं, जो हमारा मेल स्पोरोफाइट से हम मेल गैमेटोफाइट तक के जाएंगे। तो अब देखो ये सब छाप लिए ना, चलो यहाँ पर हम लोग, ये है मेल स्पोरोफाइट, ठीक है। ये कैसा रहेगा भैया, डिप्लॉइड,
ठीक है, इसका मतलब समझ आ रहा है ना डिप्लॉयड। अब इसके बाद फिर यहाँ ये, ठीक है, इसके बाद फिर ये क्या बनाएगा, ये सब आपको क्लियर हो चुका है पिछले लेक्चर्स में, तो इसलिए मैं इसको बस ऐसी ओवरव्यू के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। पिछला लेक्चर जो तोड़ के मैं अच्छे से समझाया हूँ उसको, इसीलिए समझाया था कहे कि ऐसे सब में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, एक ही बार में समझा था, तो इस कारण से वो भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जिसको अगर वो समझ आया होगा तो ये आया होगा, तो पिछला लेक्चर देख लेना या एक बार रिवाइज करना, जो देख चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेना प्लीज़। तो मेल स्पोरोफाइट, अब देखो इसके बाद फिर क्या है, ये क्या बनाएगा वो सब तो पता है, माइक्रो स्पोर मदर से। अरे अब बोलोगे ये क्या बोला है भाई करके, तो याद करो ऐसे करके, जो आपको मैं ऐसा कुछ पेड़ प्लांट टाइप का बनाया था, ये कुछ लीफ था उसमें, ये क्या था स्पोरोफिल था, ये क्या था स्पोरेंजियम था, उसके अंदर उसको मैं बोला था मदर सेल है ये, ठीक है। तो ये हम लोग मेल स्पोरोफाइट का देख रहे हैं, तो मदर सेल, तो माइक्रो मतलब छोटा, इसको किसके लिए, माइक्रो स्पोर किसके लिए यूज़ करते हैं, जो मेल स्पोरोफाइट स्पोर रिलीज करता है उसके लिए माइक्रो स्पोरोफिल स्पोर यूज़ करते हैं, करते हैं या नहीं करते। माइक्रो स्पोर किसके लिए यूज़ करते हैं, माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर, ये तो पता है, अरे मेगा स्पोर, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा हमको, मेल स्पोरोफाइट से। ये कहाँ से मिलेगा हमको, फीमेल स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब क्या होता है, जो स्पोर रिलीज करता है, मतलब ये क्या है लड़का, ये है लड़की का स्पोर, ये है लड़का की स्पोर, ये सब अच्छे से क्लियर कर चुका। बट एवरेज से एवरेज भी बच्चा देखे ना, समझ आना चाहिए मेरा ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये मेरा एक क्या बोलेंगे, छोड़ भाई चलो उसको, कहाँ कहाँ चले जाते हो सर आप भी बोल, सर नहीं भैया या भाई, ठीक है चलो। ये माइक्रोस्पोर मदर से, ठीक है ये अब पता चल गया ना ये। अब इसको मैं अब फिर देखो ये कैसा रहेगा, तो जो जो यहाँ पर था वो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, वो जब डिवाइड करेगा अंदर में तो फिर बनाएगा वो स्पोर्स। अब वो कैसे बनेगा उसको भी चलिए सी यार बता ही देते हैं, चलो अब। अरे ये सूखता नहीं है ये जल्दी सूख, चलो ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद फिर यहीं पर, ठीक है अब ये स्पोर बनाएगा, ये क्या है अभी बहुत जाना है भाई, इसलिए थोड़ा स्मॉल स्मॉल बना दिया, ठीक है छोटा छोटा। ये कैसा रहेगा, ये सब रहेगा हैप्लॉइड, रिप्रेजेंट कर रहे हैप्लॉइड, इस ये है हमारा स्पोर है ना, और अच्छे से बोलेंगे मतलब, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लियर भाषा में, ये है माइक्रो स्पोर, ठीक है ये माइक्रो स्पोर। अब ये जर्मिनेट करेगा, यही लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर का मिटा देता हूँ ये सब, जर्मिनेट। फिर क्या बनाएगा, मेल गेमिटो, गेमिटो फाइट, क्लियर है इतना क्लियर है, बस ये सब आपको पता ही है पहले से, बस ये अब ये स्पोर है ना ये यहाँ पर, ठीक है ये आप अपना अच्छे से बना लेना इसको सब, क्या है इधर जगह नहीं हो पा रहा है इस कारण से, ठीक है। और ये मेल मेल गेमिटोफाइट कैसा रहेगा, मल्टी सेल्यूलर, और ये कैसा रहेगा अब आप बताओ, हैप्लॉइड, ठीक है हैप्लॉइड डिप्लॉइड का पूरा
कॉन्सेप्ट के हिला के रख दूंगा, मतलब हिला के रख दूंगा मतलब हिला हुआ है उसको जमा के रख दूंगा। ठीक है, अब देखो ये हुआ, इसके बाद फिर यहाँ से अब क्या बनेगा जल्दी बताओ भाई। अरे बताओ ना यार, अब क्या पोलन, ये सब बता चुका हूँ आपको। और देखो पोलन उसका यूज़ जब तक के नहीं करेंगे, तब तक के नहीं करेंगे जब तक के हम एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ रहे हैं। अभी कहाँ तक के हैं हम लोग, जिम्नोस्पर्म तक के, जिम्नोस्पर्म तक के। ये सब में हम लोग जो जो मेल मेल गैमेट जो रिलीज होता है गैमेट, उसको हम लोग बोलते हैं N3D। क्या बोलते हैं उसको? एन थ्री जॉइड लिखना लिखी देता। अरे साले मेरे जवान का ही इतना लड़बड़ाते रहता है। चलो ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेल गैमेट। और इसको क्या बोलेंगे अभी आप बताओ? पोलन भी बोल सकते हैं, वो आपको पोलन के लिए अच्छा बताया जाता है। पोलन आपको पता है, एंजियोस्पर्म तो पढ़े ही होंगे 10th 12th में, और जिनको नहीं पता उसके लिए भी खोपचा वाला कॉन्सेप्ट तो बना ही है। तो भाई खोपचे वाले कॉन्सेप्ट में आइए, आपको खोपचा वाला कॉन्सेप्ट, खोपचा मतलब पता है ना 11th वाले भाई लोग के लिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए कुछ। देखो ये है N3DM, जो पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं उनका भी क्लियर हो जाएगा। और ये है आर्किगोनियम, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है सर, समझ आ गया? तो फिर देखो अब फिर ये क्या रिलीज करेगा, एंथ्रोजॉइड। ठीक है, मेल गैमेट। ठीक, और ये क्या, एग, फीमेल गैमेट। क्या ये सब के लिए बेसिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ना, इस कारण से मैं बेसिक को छोड़ता नहीं, उसी को लगाओ भाई, उसी से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, ये खोपचा वाला कॉन्सेप्ट छाप लो, ये गैमेटोफाइट है ना, GEMETOPHYTE। ठीक है ऐसा सब। चलो N3DM, और ये क्या है, ये आर्किगोनियम, ये है एंथ्रीजॉइड। ये क्या कहेगा, जो ये रिलीज़ करेगा, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं, स्पर्म, जिसको मेल गैमेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो प्लांट है उसमें जिम्नोस्पर्म के इधर, मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म है ना, ये मतलब कि एडवांस कैटेगरी है, एडवांस कैटेगरी, समझ रहे हो ना। तो इसमें हम लोग ये सब इसका डीप स्टडी करना है हमको, तो ये सब में हम लोग पोलन वोलन का यूज़ करेंगे, पोलन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बट जो इधर है हमको मेल गैमेट में हमको एंथ्रेजॉइड का यूज़ करना पड़ेगा ना, ये मोर एप्रोप्रिएट, समझे। ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या है नीट में कभी कभी घुमा के पूछ दिया तो आपको ऐसा कुछ पता रहना चाहिए। ठीक है, तो एंथ्रोजॉइड, और मैं आपको समझाने के लिए पिछले लेक्चर में पोलन यूज़ किया था जानबूझकर, कहे कि ये एंजियोस्पर्म आप लोग पढ़ चुके हो 10th में, तो इस कारण से पोलन से आपको जल्दी समझ आ जाएगा, हाँ ये मेल गैमेट है ऐसे करके। तो चलो खोपचा वाला कॉन्सेप्ट के बाद ये सब यहाँ से मेल स्पोरोफाइट से ये सब पोलन ग्रेन तक के समझ आ गए। ये इसको पोलन ही यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर दिए, बट मैं आपको बता चुका हूँ एंथ्रेजॉइड ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। अब देखो क्या करना है,
अब मेल स्पोरोफाइट का जो पोलन है, मेल गैमेट तो आ गया, फीमेल गैमेट लाना है ना, फीमेल गैमेट को जल्दी से ले आते हैं। मेन भाई अभी जो लेक्चर बनाया था मेरे से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसके कारण से भी शुरू से बनाना पड़ रहा है, बीच में कट गया था वहाँ पोलन के बाद वाला, तो इस कारण से ये भी नया बनाया हूँ। तो इसमें ये सब देख लो, ये अच्छे से है और उससे अच्छे से इसमें है, ठीक है ये। अब इसके बाद फिर अब मेल का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो फिर, डबल मेहनत हो गया मेरा, चलो कोई बात नहीं यार, होता है। चलो अब देखते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं। अब देखो ये सब हो गया, अब फीमेल स्पोरोफाइट, फीमेल स्पोरो फाइट, यहाँ से क्या आएगा, मेगा स्पोर, ये तो आप जानते हो, मेगा स्पोर मदर सेल कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये भी डिप्लॉयड रहेगा। उसके बाद इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ मत हो करके, यहाँ से क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। फिर क्या बनाएगा, इसको थोड़ा बड़ा 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 बना देते हैं, ठीक है। क्या कि पता है आपको, जो हमारा मेगा स्कोर रहता है थोड़ा बड़ा रहता है, ये है हमारा स्पोर्स, मोर एप्रोप्रिएट क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर, ठीक। अब इसके बाद फिर ये मेगा स्पोर, मेगा स्कोर के बाद फिर क्या बनेगा, इधर बनाते हैं इसको, ये ऐसा। अब देखो मेगा स्पोर में ना, ये चारों में से सिर्फ एक रहे, चल उसको अभी बाद में क्लियर करता हूँ, अभी इतना हो छापो पहले, ठीक है। छापते छापते मतलब पढ़ना, मतलब नोट्स बनाते बनाते लेक्चर देखना। अब देखो ये मेगा स्पोर, मेगा स्पोर के बाद फिर क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, उसको देख के बताओ। अभी जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट, जर्मिनेट करने के बाद फिर आएगा हमारा फीमेल गैमेटो फाइट। अरे फीमेल गैमेटो फाइट कैसा होता है, पहली बात तो ये यहाँ लिख देता हूँ, डिप्लॉयड होता है, सॉरी हेप्लॉयड होता है और मल्टी सेल्यूलर रहता है, इसमें भी मल्टी सेल्यूलर डाल देते हैं, मल्टी सेल्यूलर, ठीक दिखा ना। चलो अब उसके बाद फिर यहाँ से क्या निकलेगा, अब बताओ भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, एक रिलीज, एक क्या बोलेंगे इसको, फीमेल गैमेट, ठीक है। अब एक तो कटा करा होगा ये मियोसिस माइटोसिस, एक कुछ 11th वाले बच्ची से इन सब, तो एक तो खोपचा वाला कॉन्सेप्ट रख लो, ठीक है, जो आपको मदद करेगा, ऐसा सब कुछ आ रहा है अभी पढ़े नहीं हो सेल डिवीजन, तो उसमें तो देखो मियोसिस माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस में क्या होगा, ऐसे मान लो ये कुछ डिप्लॉयड है, उसका चार बनेगा, ऐसा भी ध्यान में रख लो, ठीक है। काहे कि आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, जैसे सेल डिवीजन में जब आएंगे तो ड्रॉपर लोग को तो कोई परेशानी नहीं है सब, और ये दो बना, बस ऐसा होगा, ऐसा करके, ऐसे करके आप मान के चलो, ठीक है। तो ये समझ आ गया, खोपचे में उतार लेना का है, कन्फ्यूज़न मत हो, उसी रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं इसको, रिडक्शन TION है ये डिवीज़न, ठीक है। तो ये खोपचा वाला कॉन्सेप्ट जल्दी छापो, इसको मिटा रहा हूँ मैं, अरे बोर्ड फिर गंदा हो गया, अरे बाबा। चलो अब देखो ये सब समझ आ गया कैसे कैसे हुआ, फीमेल स्पोरोफाइट, मेल स्पोरोफाइट, ये माइक्रो स्पोर बनाई है वगैरह वगैरह। अब देखो ये यहाँ से थ्रू एयर करेंट, मतलब हवा, हवा के जरिए
कम इन कॉन्टैक्ट विथ क्या एक एंड फॉर्म जायगोट क्लियर। ठीक है तो ये देखो ये यहाँ से आके फ्यूज होगा, फ्यूजन एंड यहाँ सॉरी फ्यूजन एंड फॉर्म जायगोट। ठीक है ये टी ई है टी ई जेड वाई जी ओ टी ई जायगोट इधर ले लेते हैं, अब क्लियर आ गया होगा जायगोट। ठीक अब फिर अब देखते हैं फिर ये जायगोट से बनेगा एम्ब्रायो और ये एम्ब्रायो से बनेगा हमारा जल्दी बताओ क्या बनेगा भैया एम्ब्रायो से क्या बनेगा ये बताओ। पहले इसका डिप्लॉइडी की बात कर लेते हैं, ये भी कैसा रहेगा, ये डिप्लॉइड रहेगा डिप्लॉइड हो जाएगा इधर से ये डिप्लॉइड ए सॉरी ये हैप्लॉइड दोनों आया नहीं ये हैप्लॉइड और ये एक ये भी हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है दोनों आया आने के बाद फ्यूज होके जाएगा तो ये डिप्लॉइड ये भी डिप्लॉइड ये डिफ्रेंसिएशन होगा इसका टूटेगा ये इसके अंदर में जो सेल रहेगा वो ऐसे ऐसे टूट टूट के एम्ब्रायो बनाएगा। ठीक सर अब जो ये एम्ब्रायो है वो फिर जाके हमारा क्या बनाएगा ये बनाएगा चलो इस स्पोरोफाइट जो आपको वो बताया था ना पिछले लेक्चर में वही इस स्पोरोफाइट के बारे में बात किए थे जो स्पोर रिलीज करता है इनडायरेक्टली इसको ये है हमारा स्पोरोफाइट ये है ना स्पोरोफाइट ये इसी को बोल रहे हैं स्पोरोफाइट तो ये स्पोरोफाइट बना है तो लाइफ साइकिल कंप्लीट। ठीक है ये देख लो छाप लो भाई एक बार और क्लियर कर देता हूँ मेल गैमेट से पूरा वगैरह वगैरह ये सब हुआ होने के बाद फिर ये हमारा ये रिलीज़ किया क्या पोलन मेल गैमेट। ठीक है मेल गैमेट चलो रिलीज़ हो गया अब यहाँ से फीमेल स्पोरोफाइट। अब देखना एक और कॉन्सेप्ट है इसमें ये चारों है उसमें से सिर्फ एक बचेगा ये बाकी डिजेनरेट हो जाएगा सिर्फ एक बचेगा बट जो मेल का है वो सब सही रहेगा ना ये सब सही मतलब कि ये डिजेनरेट नहीं करेगा ये ख़त्म नहीं हो गया मरेगा नहीं काहे देखो इसको तो यहीं पर रहना है एक जगह रहना है उसमें वो जो है हमारा वो मेल गैमेट आएगा ये वाला गैमेट उसमें ये आना है इसको आना है। ठीक है इसका घर है इसका खुद का घर है इसको इसके पास घर नहीं है तो ये इसके घर में आएगा रहने हाँ तो ठीक है तो ऐसा कॉन्सेप्ट से मान लो यहाँ पर है। अब चलो एयर करंट मान लो एयर करंट जो है हवा ज़्यादा हो गया तो मान लेते हैं ये सब डिजेनरेट हो गया एक बचा ठीक है एक बस बचा मान लो एक बस बचा तो फिर देखो हवा आया और मान लो कि हवा थोड़ा ज़्यादा आ गया ठीक है तो ये जाके यहाँ पर नहीं रुक के ये चले गया बाहर ठीक है तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हीट दिस एग वो तो कम हो गया ना इसको हीट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो कम हो गया ना। और मान लो अगर चारों का चारों रहता चलो एक बार हवा ज़्यादा आ गया चलो बाहर निकल गया एक बार हवा कम आ गया तो चलो यहीं पर रह गया कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि थोड़ा हवा ठीक ठाक आएगा चारों में से तो मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस कारण से इसको हम लोग ज़्यादा रखते हैं ठीक है जो हमारे ये मेल गैमेट का है क्योंकि उसको हीटिंग करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए करके। ठीक है तो ये समझ गए होगे ये सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ठीक है तो ये ठीक है उसके बाद फिर ये यहाँ से एग रिलीज किया दोनों एग और जो मेल गैमेट है फर्टिलाइजेशन हुआ वो दोनों के बीच में फ्यूजन फ्यूज हुए फ्यूज होने के बाद जायगोट बनाया जायगोट डिफ्रेंशिएट होने के बाद एम्ब्रायो हुए हैं एम्ब्रायो के बाद ये हमारा स्पोरोफाइट ये भी डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है सर जी समझ आ चुका होगा अभी ठीक है तो ये बढ़िया से क्लियर हो चुका ठीक है और बस इतना ही थोड़ा
छूट गया था उसमें कि मतलब वो डिलीट हो गया था लेक्चर, मतलब कि रिकॉर्डिंग में ना कुछ गड़बड़ी आ गया था। तो ये अरे छाप लेना, ये छाप लिए होगे, रिवाइंड करके अपना छाप लेना इसको। तो ठीक है, तो फिर ये ख़त्म हो चुका और फिर ये चैप्टर आप लोग का क्लियर हो चुका। ठीक है, और एक उसको उसमें बात कर लेता हूँ, दो मिनट एक चीज़ और बता देते हैं फिर ख़त्म कर देते हैं लेक्चर। ये देख लो, ये था, अब छोड़ो अभी एंजियोस्पर्म का बात करते हैं। ये एंजियोस्पर्म में ये क्या रहता है, स्टिग्मा। ये क्या रहता है, स्टाइल। ये क्या रहता है, ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर ऐसे प्लेसेंटेसा जैसे डंडा टाइप का निकला रहता है, स्टाक बोलते हैं उसको। फिर ये है न्यूसेलस, उसको एक ऐसे कवर करके रखता है, क्या बोलते हैं बताओ। चलो इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा हो जा भैया। चलो ये हम इसको कर लिए ऐसे बड़ा। डोरेमोन को मैग्नीफाइंग ग्लास लाए, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलता हूँ वो बिग लाइट से बड़ा। तो ये क्या है, ये हमारा न्यूसेलस। ठीक है, स्पेलिंग अपना देख लेना भाई। और ये है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ऐसा किसके केस में रहता है, एंजियोस्पर्म में। और उसके ऊपर ये ऊपर का कवरिंग ओवरी हो जाता है। ठीक है, बट इन जिम्नोस्पर्म ओवरी आर एब्सेंट। तो उसमें क्या रहेगा, सिर्फ ऐसा कुछ ये न्यूसेलस रहेगा हमारा, और यहाँ पर कुछ ये, और यहाँ कुछ छोटा एरिया रहेगा, यही हमारा इसका सीड रहेगा। तो ये है हमारा ओव्यूल, ये है न्यूसेलस। ठीक भैया, तो ये इधर टेरिटो हमारा जिम्नोस्पर्म पूरा ख़त्म हो चुका। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं बचा, ये सेम था इसलिए लिखने दो। बट ये यहाँ पर क्या है, हमारे जिम्नोस्पर्म में क्या है, डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, मतलब कि अपने खाने पीने सोने तक के किस में डिपेंड रहेगा, स्पोरोफाइट। मतलब स्पोरोफाइट ही इसको खाना देगा। ठीक है, जैसे टेरिडोफाइट्स में, आप पूरा मेरा लेक्चर देखोगे ना तो आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, ये सब बताने का ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, मेरे को लगता है कि कुछ छूट गया कर, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप लेक्चर देखोगे तो पूरा क्लियर होगा। इसमें फ्री लिविंग था, वो अपना खाना खुद से बनाता, खुद फोटो खींचता। इसमें भी वैसी था, इसमें भी वैसी था गेमेटोफाइट। बट इसमें क्या रहता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जो स्पोरोफाइट हम लोग ऐसा कुछ बनाए थे ना, ये लीफ था, ये रूट था, वो वाला। ठीक है, इसी के ऊपर ऐसा डिपेंडेंट रहेगा, ये खाना देगा। तो ये जो हमारा ये गेमेटोफाइट है, मान लो ऐसा कुछ ये गेमेटोफाइट है, ये इसको खाना देगा, ये इसको पानी देगा, ये इसको ये देगा, वो देगा, सब देगा। तो ये रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, बस खाएगा पिएगा, बस गेमिट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये आई होप ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और कुछ बात कर लेता हूँ। जैसे इसमें क्या था, इसमें जो था, और इसमें जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें वो डिपेंडेंट था ऑन गेमेटोफाइट। ठीक है, वो आप तो जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पुराने स्टूडेंट जो देखे होंगे उसको, और जो भी न्यू आए हो प्लीज़ देख लेना भाई। आधा अधूरा फिर देख के जाओगे, फिर बोलोगे सर ऐसा बात है कर। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये देखो भाई, छाप लेना है ये। ठीक, अच्छे से कवर हो चुका है इसको।
देखो आज के लिए भाई इतना ही, और ये पूरा कवर हो चुका ठीक है, और कुछ नहीं छूटा है, एक एक पॉइंट कवर हो चुका है। चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, जो जो उसमें जो कन्फ्यूजिंग लाइन था उसको भी मैं इजी मेथड से क्लियर कर चुका हूँ आपको ठीक है। कुछ नहीं छूटा है, बस क्वेश्चन लगाओ, एडिशनल पॉइंट भी कवर कर चुका हूँ मैं ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन लगाओ और ज़्यादा मत जाना, मतलब कि बियॉन्ड द एनसीईआरटी, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ उतना ही को पढ़ो ठीक है। डेफिनेटली मतलब एक चैप्टर ना आपका ना टिप पे रहेगा, मैं बता रहा हूँ ठीक है। जो जो मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा इसके बाद फिर मैं आपको वही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करने वाला हूँ, या फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगा शुरू से ठीक है। तो ठीक है भाई, बढ़िया से पढ़ते रहना बस, ऑल द बेस्ट। तो फिर चलो, तो फिर थैंक भाई, धन्यवाद मेरे को सपोर्ट करने के लिए ठीक है, थैंक्स।